प्राइज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने फिर से ये सुंदर अवसर को दिया आप लोगों के बीच में, और परमेश्वर की महान अनुग्रह, परमेश्वर की महान असीम दया करुणा के अनुसार आज जो कुछ भी है हम उसी में हैं। आइए हम उस परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग वचन की ओर जाएंगे। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आज ये सुंदर समय को दिया तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबों को तू बरकत आशीष दे, उनके मनोकामना को तू पूरा कर पिता। तेरा दया, तेरा सच्चाई, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य होने पाए पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना के द्वारा और पिता में ईश्वर हालेलुया प्रभु गाने के माध्यम से आराधना करेंगे, वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर, आरंभ से लेके अंत तक हमारे सहभागी परमेश्वर हो। सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रिय हुए ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के लिए महिमा से भरा हुआ परमेश्वर के लिए गाना को गाएंगे। वो आसमानी बाप, आसमानी खुदा हमारे बीच में है, उस परमेश्वर की महिमा हमारे मुख के द्वारा, परमेश्वर के महिमा सदा सर्वदा होना चाहिए। आइए हम लोग ये गाना को गाएंगे। हो सके आप लोग के लिए नया गाना हो, बहुत तरह ये गाना को सुने भी होंगे, फिर भी हम परमेश्वर की आराधना महिमा करेंगे। अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा। तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर उसको जाने, तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर उसको जाने, अब पिता तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा। कि मैं खुश हूँ तो तू भी खुश होता है, मैं भी रो तो तू भी रोता है, अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा। चोट मुझको लगे दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है, हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है, अपनी बाहों में हर दम उठाता है। अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा। आवाज दे तू तू दौड़ाता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है। ताल बंद कर मेरी रक्षा तू करता है, अपनी निगाहों में हर दम तू रखता है, अपनी पनाहों में हर दम तू रखता है। अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा,
अवा खुदा तू है मेरा, अवा पिता तू है मेरा, अवा खुदा तू है मेरा, अवा पिता तू है मेरा, तू है मेरा, तू है मेरा, तू है मेरा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा महिमा हो और परमेश्वर की जलाली परमेश्वर आज आप लोगों के बीच में है। आइए हम उस परमेश्वर के पास, अपने आवा, अपने पिता के पास, अपने खुदा के पास, अपने परमेश्वर के पास हम अपने जीवन को रखें और उस परमेश्वर के पास नम्र सहित उसके सम्मुख में आए। और परमेश्वर हमारे हर एक विषय को जानता है। मांगिए तो आपको मिलेगा, ढूंढिए तो आप प्रभु को पाएंगे। जो जो उसको मांगा है, जितने लोग उसको खोजा है, उन सबों को परमेश्वर ने अपने अस्तित्व को प्रकाश किया है, उनके जीवन में परमेश्वर अपने छाप को छोड़ा है। आइए उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को, अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर के पास हम लोग रखें। और हम जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है। मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना में आएंगे। सब अपने अपने आंखों को बंद करें, अपने जीवन को परमेश्वर के पास रखें। जहीं कहीं भी हो आप, जहां कहीं में हो, अगर आपका मन प्रेरित करता है घुटने में आने के लिए, आपको अगर मन करता खड़े होकर मैं परमेश्वर की उपासना करूंगा, तो आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके हर एक बीमारी को दूर करेगा, आपके हर एक परेशानी को दूर करेगा। आइए उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता मेशतरी महिमा तेरी प्रशंसा तेरी जलाल होने पाए प्रभु जी। रिबा शुदुलु कुरबा संदाला खयरा बाला बा सदा राबाला बा शुदुलु कुरियारा बाला बा संदाला बा यरा बाला बा सुदुरु कुरियारा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता मेश। हम प्रार्थना करते हैं ओ राजाओं का राजा पिता मेश, आज हमसे तू बातें कर पिता, तेरा दया हमारे जीवन प्रकाश होने पाए पिता मेश। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर पिता मेश, और तेरी महिमा तेरी प्रकाश हम उनके जीवन में प्रकाशित होने पाए। ओ रबा बाबा शुदुलु को रबा संदाला खया रबा लबा शुदुलु को रिया रबा ला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू जीवित परमेश्वर, तू अनुग्रह कर परमेश्वर, तू सचमुच सचमुच हमारे जीवन में तू कार्य करता है पिता परमेश्वर। तेरे द्वारा ही हम जीते हैं, तेरे द्वारा ही हम उठते हैं पिता परमेश्वर। तू हमारे ऊपर असीम दया करुणा को दिखा पिता, और तेरी महिमा हमारे जीवन में कार्य होने पाए प्रभु जी। और रिबा हालेलुया पिता मेश, हर एक के जीवन में तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर वचन के द्वारा तू हमको अगुवाई दे पिता। ओ राजा हालेलुया प्रभु जी, तू हमारे जीवन में तू कार्य कर, दया अनुग्रह से भर दे पिता। सारे आदर में जलाल तुझको देते हैं, तू हमारे प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया है। विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, और ये समय हम परमेश्वर के पास धीरता से साथ शांति के साथ जो भी हम सुने वो ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि परमेश्वर के वचन को हमको अपने जीवन में लगाना है। मेरे प्रियो, आइए हम लोग वचन में जाएंगे। यिर्मयाह, यिर्मयाह उसका 15 का हम लोग 19 से 21 को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम इस विषय को देखते हैं। देखिए, प्रभु आपके लिए लड़ेगा, मगर मेरा टॉपिक यह है कि प्रभु आपके लिए लड़ेगा मगर कुछ शर्त, कुछ कंडीशन रहता है। वो परमेश्वर दुखी लोगों के लिए सहारा है, अनाथ लोगों के लिए वो हमारा परमेश्वर माता पिता होके आता है, जिसका कोई नहीं होता उसके लिए परमेश्वर खड़ा होता है, जो निराशा में उदासी में रहता है परमेश्वर उसके लिए सहारा बनता है। मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर कब हमारे जीवन में कार्य करता है? परमेश्वर कार्य करेगा, अद्भुत इसी से कार्य करेगा मेरे प्रियो, मगर हमको परमेश्वर के साथ जुड़ना होता है। सबसे पहला पॉइंट, हम परमेश्वर के वचन में अपना जीवन को रखें, उपवास के साथ अपने जीवन को बिताए, उपवास रखिए अपने जीवन में, बाइबल पढ़िए, वचन पढ़िए और प्रार्थना करिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। और उसके साथ साथ हम वचन के अनुसार जब अपने जीवन को चलाते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जब चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, अद्भुत
से कार्य करता है। आइए हम लोग उस वचन में जाएंगे, यिर्मयाह 15 का 19 से 21 को हम लोग जब देखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यहोवा परमेश्वर ने यूं कहा, देखिए यह हम लोगों को कहा जा रहा है, यदि तू फिरे, मेरे प्रियो आप जो भी हो जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए या गवर्नमेंट का कोई बड़ा ऑफिसर बन जाए, यदि आप फिरे परमेश्वर के लिए, हम मनुष्य छोटे छोटे रहेंगे। परमेश्वर हमको नम्र बनाने के लिए कहता है, दीन बनने के लिए कहता है, उसने कह रहा है यदि तू फिरे नम्र के साथ अपने मन को परिवर्तन करके परमेश्वर के पास जब तू वापस आता है तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। वो परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, हालेलुया, वो परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। मगर सबसे पहला कंडीशन क्या रख रहा है परमेश्वर, अगर तू मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे फिरे, मेरे वचन के अनुसार चले, अपना जीवन को मेरे साथ जोड़ के रखे, बुरी चीज को छोड़ दे, बुरी लालसा को छोड़ दे, मगर परमेश्वर के लिए जब अपने आप को प्रभु के लिए अपने जीवन को जब रखते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, आपको खड़ा करेगा। किसके सम्मुख? परमेश्वर के सम्मुख आपको खड़ा करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास वही खड़ा हो सकता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। हालेलुया। परमेश्वर महान महान पवित्र है, उसका पवित्रता का कोई तुलना नहीं है, उसका पवित्रता का तुलना नहीं है। वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, वो कभी आपको धोखा नहीं दे सकता, वो पवित्रता के साथ अपने जीवन को चलाता है। इसलिए पवित्रता और अधर्म पाप परमेश्वर से साथ जुड़ता नहीं है, वो पाप को घृणा करता है। अगर हमारे जीवन में पाप है तो परमेश्वर के पास हम खड़ा नहीं हो पाएंगे, परमेश्वर आपके करीब नहीं आ पाएगा। हालेलुया। इसलिए कहता है यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने क्या करूंगा, खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्म को ना कहे, इसका मतलब हम अगर जो अशुद्ध या परमेश्वर के नजर में जो पाप है, गंदगी है, उसको नहीं करना है हमको, अनमोल को जो परमेश्वर का लिए है, वचन परमेश्वर का वचन, उसकी आज्ञा को मानना अगर है तो हम क्या होंगे, परमेश्वर के सम्मुख में होंगे। तब तू मेरे मुख के समान होगा, क्या होगा, मुख के समान। हालेलुया। आज प्रभु जो कहता है वो हो जाता है, आज परमेश्वर आपको मुख बना देगा, आप जो बोलेंगे आपके मुख के द्वारा परमेश्वर उसको सफल करेगा। इसका अर्थ नहीं कि मैं अभिशाप दे दूं, गाली दे दूं, नहीं, परमेश्वर के मुख के समान आपको बनाएगा परमेश्वर। क्या उसने लिखा है, तब तू मेरे मुख के समान होगा, आप भविष्यवक्ता बन जाएंगे, आप परमेश्वर के नजर में एक धर्मी इंसान बन जाएंगे। कोई भी धर्मी नहीं है मेरे प्रियो, मगर परमेश्वर जिसको धर्मी कहता है वो धर्मी हो जाता है। हालेलुया। वे लोग तेरे और फिरेंगे परंतु तू उनके और ना फिरना, वो आपके पास घूम के आएंगे मगर आप नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे खड़ा करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। फिर हम लोग नीचे में पढ़ते हैं 20 को, और मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दूध सहरपना बनाऊंगा। उन लोगों के सामने, किन लोगों के सामने, जो आपको तुच्छ जानते हैं, जो आपको नीचा जानते हैं, उन लोगों के सामने क्या बनाएगा परमेश्वर आपको, पीतल का दूध सहरपना बनाऊंगा। हालेलुया। वो तुझसे लड़ेंगे, वो आपसे लड़ेंगे, मगर परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, वो आप पर प्रबल नहीं हो पाए, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथों से बचाऊंगा। आज हम समस्या में देखते हैं बहुत सारे लोगों को, मसीह भाई लोगों को देखते समस्या में पड़े हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग प्रभु में नहीं है, है समस्या आता है, मगर कुछ चीज हमारे वजह से भी आ जाता है। जब परमेश्वर का
सामत हमारे जीवन से हटता है, परमेश्वर हमारे जीवन से जब हटता है तब उस चीज हमारे जीवन में क्या करता है, एंट्री ला लेता है। हालेलुया। इसलिए कहता है हमको परमेश्वर के वचन में आगे चलना है और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूंगा। उस उपद्रवी लोगों के पंजे से क्या करेगा, परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी हम परमेश्वर के नजर में आते हैं, जब भी हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, तो परमेश्वर हमको क्या करता, खड़ा करता उसके सामने, उसके सम्मुख खड़ा करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप क्या हो जाए, उसके सम्मुख में उसके लोग, उसकी प्रजा, उसकी नीच प्रजा बने। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेम करता है, इसलिए प्रभु आपको ये वचन सबको आज बता रहे हैं। हालेलुया। हम लोग और एक वचन को निकालते हैं, यहोशू हम लोग देखते हैं उसका 1:7 में देखिए क्या लिखा हुआ है। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इतना हो कि तू हियाब बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उसमें उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस जगह में यहोशू को परमेश्वर कुछ कंडीशन को रख रहा है। जैसे हम लोग मोबाइल में कुछ रिचार्ज करते हैं या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है, वहां पर कंपनी कुछ टर्म कंडीशन दिया जाता है। इसी तरह परमेश्वर के पास भी कुछ कंडीशन यहोशू के पास आ रहा है कि क्या आ रहा है, तू जो मैंने मूसा को व्यवस्था को दिया है उसको तू क्या करना, उसके अनुसार चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। मतलब जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें ना तो आप जोड़िएगा, आजकल तो जोड़ देते हैं, मन मन में गढ़ के वचन को किया जा रहा है, ना तो जोड़ना ना उसे अलग करना, ना दाएं मुड़ना ना बाएं, जो लिखा है उसी के अनुसार आपको करना पड़ेगा। अब चौकसी सावधानी के साथ, वार्निंग के साथ कहा जा रहा है, परमेश्वर के वचन को हमको भय के साथ पालन करना है मेरे प्रियो। वो मामूली चीज नहीं है, साधारण पुस्तक नहीं है, बाइबल साधारण पुस्तक नहीं है, इसको हमको ध्यान पूर्वक से करना है, चौकसी के साथ परमेश्वर के वचन को पालन करना है, तभी क्या होंगे, हम परमेश्वर के नजर में एक धर्मी इंसान बनेंगे। मैं धर्मी के बारे नहीं बोल रहा, मैं आपको परमेश्वर के निगाह में आप उस अनंत जीवन के और आप बढ़ेंगे, परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश करेंगे। उससे पहले अपने जीवन को क्या करना है, उस वचन के अनुसार धारण करना है। अगर आप परमेश्वर के साथ कुछ पाना चाहते हैं, परमेश्वर से कुछ आप लेना चाहते हैं, अगर आप आशीषित व्यक्ति होना चाहते हैं, तो आपको इसको करना पड़ेगा मेरे प्रिय। हालेलुया। तभी हम आशीषित होंगे, तभी आप परमेश्वर के नजर में खड़े हो सकते हैं। प्रभु ने कहा ना, अगर तू फिरे तो तू क्या करेगा, मेरे सामने खड़ा हो सकेगा। हालेलुया। अनमोल को क्या करे, हां करे, निकम्म को ना कहे, तो तू क्या होगा, उसकी मुख के समान होगा। ऐसे वचन के अनुसार जब अगर आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, तो आप क्या हो जाएंगे, सफल होंगे। इसलिए लिखा हुआ है, तू जा तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। अब जिस हाथ जिस चीज को आप रखेंगे उस चीज में आप सफलता पाएंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन की भविष्यवाणी के तौर से मैं बता रहा हूं, अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रख देते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं, तो आप जिस चीज में हाथ रख दीजिए, जहीं कहीं भी आप जाइए, परमेश्वर उस चीज में आपको सक्सेस देने जा रहा है। हालेलुया। आप सक्सेस को पाने जा रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में रखिए, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में रख लीजिए, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया।
आइए हम लोग पवित्र वचन को जाते हैं। पहला यूहन्ना उसका 5:12 को हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, 5:12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। ये जीवन प्रभु यीशु मसीह कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। हालेलुया, सच में परमेश्वर हमारे लिए मार्ग सत्य जीवन है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा, मैं जीवन का जल हूं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लगाते हैं, उसके वचन को आपके जीवन में लगाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का रखना मतलब उसके वचन को रखना। प्रभु यीशु मसीह कहा, अगर कोई मुझसे प्रेम करता तो मेरी आज्ञा को पालन करेगा। हालेलुया, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं तो आपके जीवन में आज्ञा पालनता होगा। प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन को आप पालन करेंगे, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, तब आप जीवन को पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, इंसान बोलता है मनुष्य तो मर गया, खत्म हो गया। अरे नहीं भाई, मरने के बाद भी कुछ लाइफ है, उसको भी हमको देखना है। हालेलुया, ये मरने के बाद भी एक जीवन है, उस जीवन को लेना है। या तो मनुष्य मरने के बाद जीवन को प्राप्त करता है, या तो अनंत काल के लिए मृत्यु को आता है। वो मृत्यु क्या है? मरे नहीं रहेंगे, आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। आत्मा क्या करता है? सदा सदा के लिए वो क्या करेगा? अग्निकांड में वो क्या करेगा? चलते रहेगा। हालेलुया, इसलिए मेरे प्रियो अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखे, अपने आप को परमेश्वर के साथ तोल लीजिए, अपने जीवन को परमेश्वर के पास रख लीजिए, तभी आप परमेश्वर के नजर में क्या होंगे? एक धर्मी इंसान ठहरेंगे। हालेलुया, उसने प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रकाशित वाक्य 3:20 को हम लोग देखते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। क्या कर रहा है? आपके दिल के धड़कन में परमेश्वर क्या कर रहा है? खटखटा रहा है। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, उसकी वचन को सुनकर अपने द्वार को खोलता है, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया, उस वचन को, भोजन का मतलब उस वचन को प्रभु आपको खिलाएगा, वो प्रभु यीशु मसीह भी खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। हालेलुया, इसलिए मेरे प्रियो प्रभु को अपने हृदय में प्रवेश करने दीजिए, उस वचन को आपके जीवन में प्रवेश करने दीजिए। हालेलुया, उसलिए वचन में हम लोग देखते हैं यूहन्ना 1:14 में लिखा हुआ है, वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। हालेलुया, आज वचन ही देहधारी होके आप लोगों के बीच में खड़े हैं, और उस वचन को ही आपको पालन करना है। जब आपको कोई वचन सुनाता है, आप सभा में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, जब आप वचन को सुनते हैं, उसको आपको अंदर में प्रवेश कराना है। आउट नहीं करना, खत्म होने के बाद ही आपको पूछा जाता है कि चर्च में आज क्या सुने, तो आपका दिमाग से वो भूल हो जाता है। मगर आपको अगर सिनेमा का गाना, किसी भी गाना को हम लोग एक बार अगर सुन लिए, तो वो जिंदगी भर मरते दम तक आपके पास रहता है। मगर आज हमारे जीवन मसीह समाज में, हमारे जीवन में वचन का कमी है मेरे प्रियो। हालेलुया, इसलिए प्रभु कहता है यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया, आज प्रभु आपको किस तरह से प्रेम कर रहा है। हालेलुया, इस वचन में हम लोग देखते हैं कि उसके आवाज को सुन के जो द्वार को खोलता, द्वार मतलब अपने हृदय को खोल के अपने मन को बोलते हैं, प्रभु इस वचन को मेरे जीवन में प्रवेश करा, और आज से मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण करना चाहता हूँ। जब इस बात को आप अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह तू आज मेरे दिल में आ जा, जब ये बात कहते प्रभु यीशु मसीह, उसी क्षण वो तो आपके लिए वेटिंग कर रहा है, आपके लिए वो दरवाजा ठोक रहा है आपके लिए कि वो आपसे प्रवेश करे, साथ ही साथ आपके हृदय में वो प्रवेश कर लेगा और आपके हर एक कमी घटी को प्रभु क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया, हम लोग 21 को पढ़ते हैं, उसने लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। अगर आप प्रभु में रहेंगे तो आप अगर जय पाना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर क्या करेगा? उसके सिंहासन में बैठाया, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन में बैठा गया। हालेलुया, आप
कौन सा परमेश्वर ऐसा है मुझको दिखा दीजिए। सिंहासन में बैठाता है, अपने राजगद्दी में बैठाता है। कोई ऐसा परमेश्वर है, कोई ऐसा भगवान है जो सिंहासन में बैठाएगा, अपने गद्दी में बैठाएगा। हम लोग सुने, हिस्ट्री में सुने हैं, बाप बेटा को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है राजगद्दी के लिए। मगर ये ऐसा परमेश्वर है, ये ऐसा प्रभु हमको मिल रहा है, परमेश्वर मिल रहा है जो कि बोल रहा है अगर तू जय पाएगा, संसार से तू जीतेगा, संसार से जयवंत होके तू आएगा, जब इस संसार को छोड़ के मेरे पास आएगा तो तू अगर जय पाया है तो तेरा सिंहासन में बैठने का अधिकार भी तेरा है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर मुझे नहीं दिखा है आज तक, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। मैं गारंटी के साथ, दवा के साथ बोल सकता हूँ, मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। आज परमेश्वर को पुकारिए, अपने जीवन को परमेश्वर के पास रखिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता मेरे प्रियो, क्योंकि ज्यादा लंबा होने से भी आप लोग नहीं देखेंगे। हालेलुया। मैं ज्यादा बड़ा स्पीकर नहीं हूँ, हो सके मेरे से भी कुछ गलती होते होंगे, मुझे माफ कर दीजिएगा। मगर मेन बात है हम परमेश्वर के साथ कैसे जुड़े। मैं इतना बात जानता हूँ, परमेश्वर का वचन के अलावा कुछ नहीं है, वही सबसे बड़ा चीज है। हालेलुया। मिरेकल, हीलिंग, भविष्यवाणी, दर्शन, ये सबसे बढ़ के परमेश्वर का वचन है। इसको पकड़े तो आपके पास हीलिंग भी है, इसको पकड़े आप वचन भी बोल सकेंगे, इसको पकड़े हर एक विषय, भविष्यवाणी, चंगाई, हर एक विषय आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। यही है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। ये वचन ही हमारा परमेश्वर, यही है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसको आपके जीवन में रखाइए, इसी के अनुसार चलिए, तब देखिए प्रभु आपके जीवन के सक्सेस को लाएगा। आइए हम लोग परमेश्वर के पास अपने जीवन को, अपने मन को रखें और परमेश्वर से निवेदन करें कि प्रभु हमारे जीवन में आ जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को तू आशीषित कर, जितने लोग पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुने पिता, उनकी जीवन तू काम कमी घटी तू पूरा कर पिता, और हमारे हृदय में तू प्रवेश कर पिता। तेरे सामने हम लोग खड़े होने पाए पिता परमेश्वर, तेरे मुख के समान हम लोग होने पाए पिता परमेश्वर, ऐसे तो हमको बना पिता। तेरे व्यवस्था के अनुसार चले पिता परमेश्वर, ना दाएं ना बाएं पिता चले पिता, और तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर ठोस समान बनने पाए, रीबा लाबा शुदुलू कुरियारा, और उसके साथ साथ पिता परमेश्वर जिस काम के लिए हम जाएंगे तभी हम सफल हो पाएंगे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी है पिता परमेश्वर। वचन कहता है पिता परमेश्वर जो पुत्र को पाया वो जीवन को पाया। आज हम तुझको पाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन को पाना चाहते हैं, तुझको पाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, ऐसे हमको बना दे प्रभु यीशु। रिबालाबा शुदुलु कोरियाला पिता में से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन तू कार्य कर पिता। तू अंत में कहता है पिता परमेश्वर जो जय पाएगा मैं अपने सिंहासन में उसको बैठाऊंगा। हाँ पिता परमेश्वर, आज हमको जयवंत बना पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर जयवंत है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जयवंत है, हमको भी जयवंत बना पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, तेरा पुत्र का अधिकार हमको बना पिता परमेश्वर, हमको पिता परमेश्वर संसार का मोहमाय से बचा, और तेरा भय तेरा प्रेम हमारे जीवन में कार्य करने पाए तो तू दया कर पिता परमेश्वर। प्रत्येक को तू 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल दे पिता, इस वचन के द्वारा उनके जीवन में अगुवाई होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, तू दया तेरे अनुग्रह को हमारे जीवन में दे। जो बीमार में पड़े हुए उनको चंगा कर पिता, जो समस्या में पड़े हुए उनको चंगा कर पिता, उनकी हर एक समस्या को दूर कर पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, जो भी समस्या में पड़े हैं पिता, हालेलुया किडनी का बीमारी होके, आंख का रोशनी को लेके, और छाती का दर्द को लेके, हाथ का बीमारी को लेके पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर सारे आदर महिमा यीशु नाज़री के नाम से पिता, मैं इसी वक्त पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग हैं पिता, ओ जे जो जिसका जो जो बीमारी है वो अपने अपने उस स्थान में, वो अपने अपने उस जगह में, जहाँ पर किसी का अगर चश्मे पहने तो चश्मे हाथ रखे, किसी का अगर छाती में दर्द, किसी का सर में दर्द है तो सर में हाथ रखिए। ओ यीशु के नाम से पिता घोषणा करता हूँ पिता में सर, उनके जीवन में तू चंगाई को भेज, और उनके जीवन में तू कार्य कर पिता, दया अनुग्रह तू भर दे पिता मिश्र। सारे आदर महिमा जलाल तुझको देते हुए, समस्त प्रार्थना तेरे हाथ में देते हुए, इस प्रार्थना को प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। और आप लोग, जो लोग अगर किसी के जीवन में प्रभु काम करते हैं तो कमेंट में
और मेरा फोन नंबर दिया गया है, आप देख सकते हैं वहाँ पर फोन नंबर दिया गया है। उस फोन नंबर में आप अपने गवाही को भी दे सकते हैं, अगर वीडियो देना चाहते हैं दे सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी जाने की परमेश्वर की महिमा के बारे। और आप सभी को धन्यवाद, आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आप लोगों का आशीष।